हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस किया था। आज हम आगे डिस्कस करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने दो इम्पोर्टेंट मेथड डिस्कस की थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। अब उसमें हम बात करते हैं कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो इनिशियल डेवलपमेंट है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। तो पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन के जो टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन से क्या होता है, तो नई एक प्रोजनी, न्यू यंगवंश हमें मिलता है, जिसमें पैरेंट के दोनों के क्या होते हैं, जो जीन्स आगे मिलते हैं। बट यहाँ पे आप देखो, तो ये बात हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि टू डिफर पेरेंट्स के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगी और जो न्यू यंगवंश हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे हमें चांस टू वेरिएशन कि हमारे जो जीन्स थे उसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ वेरिएशन, कुछ चेंज टाइम के साथ साथ देखने को मिलता है। जबकि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हमें क्या है मिलेगा, तो मेंटेन दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एज इट इज कॉपी होती है। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन रहती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें, चेंज की बात करें, तो कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे लिए मोर बेनिफिशियल है। हम हमारे एंसेस्टर्स के बारे में बात करें, पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर हमें कोई मॉडिफाइड एनिमल्स या प्लांट स्पीसीज चाहिए होती थी तो वो लोग क्या करते थे कि दो डिफर कैरेक्टर्स वाले, अगर फॉर एग्जांपल एक काउ एग्जांपल ले, एक ऐसी काउ हो जिसके पास मोर रेजिस्टेंस पावर है और एक ऐसी काउ कि जो क्या कर सकती है, ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन देती है। तो ऐसे ही दो कैरेक्टर्स के बीच में अगर हम फ्यूजन करवाए, ब्रीडिंग करवाए और ब्रीडिंग करने के बाद हमें जो नई प्रोजेनी मिलेगी उसमें कुछ मॉडिफाइड कैरेक्टर देखने को मिलेगा। उसी तरह से हम दो प्लांट के स्पीसीज में भी पोलिनेशन प्रोसेस करके कुछ मॉडिफाइड मिल सकता है। Okay? तो ये बात हुई हमारे एसिस्टर के टाइप की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे ब्रीडिंग करवा के न्यू मॉडिफाइड स्पीसीज डेवलप कर सकते हैं। बट नावे आप देखो तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जैसे कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, अनोलीज, क्लोनिंग एंड थर्ड वन इज जीन ट्रांसफर। ये जो सारे मेथड्स है नावे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के थ्रू हम नई और मोर मॉडिफाइड स्पीसीज डेवलप कर सकते हैं जो ह्यूमन बींग के लिए मोर हेल्पफुल हो। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है एंड केमिकल इंजीनियरिंग है उसकी हेल्प से हम कुछ न्यू मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। तो अब हम इस लेक्चर में बेसिक प्रिंसिपल स्टेप ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि
फाइव स्पीसीज डेवलप करने वाले हैं। तो हम एक पहले तो हमारे सिलेक्टेड मतलब जो हमारे सिलेक्टेड कैरेक्टर वाले डीएनए फ्रेगमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि हमारी एक सिलेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है जिसमें से हमें ये पार्ट चाहिए। ओके, तो ये सिलेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है। अब हमारा फर्स्ट बेसिक स्टेप क्या है, तो सिलेक्ट डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट। ओके, वो हमने हमारा फर्स्ट स्टेप कर लिया। Then, अब हम उसे क्या करने वाले हैं, एक नए होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। अब हमने जीन तो सिलेक्ट कर लिया बट उसकी अगर हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, तो किसी होस्ट के अंदर डालेंगे। तो होस्ट यहाँ पे हम होस्ट के अंदर डालने से पहले हमें चाहिए एक वेक्टर। वेक्टर जो है हमारा यहाँ पे ये रहा, ये है वेक्टर। आप एक एग्जांपल देती हूँ, जो मलेरिया होता है तो मलेरिया किससे स्प्रेड होता है, तो आप सबको पता है मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है। ओके, बट एक्चुअली जो मलेरिया होता किससे है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोअन से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो प्रोटोजोअन है वो मॉस्किटो के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है और उसे मलेरियल डिजीज करता है। सेम एज यहाँ पे सिलेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकती, उसे ले जाने के लिए एक वेक्टर चाहिए, तो वो वेक्टर उसे ट्रांसफर करेगा। तो अब क्या होगा, तो जो हमारा सिलेक्टेड डिजायर डीएनए है वो सिलेक्टेड डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पे अटैच हो जाएगी। और अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर अब हमें एक होस्ट के अंदर, उसे होस्ट यानी कि क्या, तो ऐसा स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम हमारे डीएनए की कॉपी इंजेक्ट कर सके। तो अब ये फैक्टर यहाँ पे इंजेक्ट होगा और उसके बाद ये होस्ट जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या करेगा, तो मल्टीपल कॉपीज करेगा यानी कि ग्रोथ करेगा, सेल डिवीजन करेगा और सेल डिवीजन के बाद अपनी जैसी नई कॉपीज फॉर्म करेगा। तो जितनी बार ये फॉर्म होगा तो उसके साथ साथ हमारे जो डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट थे वो भी क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो फॉर्म न्यू प्रोजेनी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, सिलेक्ट डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट। सेकेंड वन इज insert into the vector, then vector transfer desired selected DNA into host and at the end host step is host multiply and form new progeny cell। okay, तो यहाँ पे हमने इसके सिर्फ बेसिक स्टेप देखे। उस बेसिक स्टेप में आप देखो तो हमने पहले तो डिजायर डीएनए सिलेक्ट किया, तो अब देखो तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, ये पार्ट को क्या किया, कट किया। तो हम
डिजायर्ड ये फ्रेगमेंट कट हो सके। ओके, तो आगे कट करने के लिए हमें स्पेसिफिक एंजाइम्स चाहिए। ओके, देन उसके बाद हमें लिजवाने के लिए वेक्टर चाहिए। अब वेक्टर के साथ हमने क्या किया, हमारे सिलेक्टेड डिजायर डीएनए को ज्वाइन किया, तो हमें ज्वाइन करने के लिए भी कुछ एंजाइम्स चाहिए। ओके, देन हमें ये वेक्टर चाहिए और होस्ट चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये तो उसके बेसिक स्टेप थे, बट मोर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज हम कैसे कर सकते हैं और उसका टूल्स क्या है। तो आपको इसका बेसिक क्लियर है, एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि पहले तो हम डिजायर एक सिलेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट पसंद करते हैं, उसे एक वेक्टर के अंदर डालते हैं, उसके लिए हमने मलेरिया डिजीज का एग्जांपल लिया। फिर वो क्या करेगा वेक्टर, तो हमारे जो एक सिलेक्टेड होस्ट है उसके अंदर ले जाएगा। होस्ट कौन है, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल कंटिन्यूअसली डिवीजन करते हैं और अपने जैसे नए कॉपीज बनाते हैं, और उसके अंदर साथ ही साथ हमारे जो भी सिलेक्टेड डीएनए है वो भी उसके साथ कॉपीज होते हैं। और इस तरह से एट द एंड हमें हमारे डिजायर डीएनए की बहुत सारी कॉपीज मिलती है। ये तो सिर्फ हमने बेसिक देखा, अब नेक्स्ट इन डिटेल में हम देखेंगे कि ये प्रोसेसेस कैसे होती है। ओके,